हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं बना रही हूँ आलू और पालक की सब्ज़ी। आलू और पालक की सब्ज़ी बहुत ही अलग तरीके से बनाऊंगी, और ये है पुरानी रेसिपी है जो कि मैं बता देती हूँ। मैं जब मैं ससुराल आई थी ना, तो मेरी सासू माँ ने इस तरह से बनाई थी। मेरी सासू माँ ने इस तरह से बनाई थी ना, उस दिन से मेरी सासू माँ की मैं तो ना खाने की फैन हो गई। मुझे तो इतना अच्छा लगता है इनके हाथ का खाना, मेरी सासू माँ का। कोई भी सब्ज़ी, चावल वगैरह कुछ भी बनाते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। इनके हाथों का जो स्वाद है ना, पता नहीं क्या है इनके हाथों में जादू, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आज मैं जो आलू पालक की सब्ज़ी बना रही हूँ ना, मेरी सासू माँ के तरीके से बना कर बता रही हूँ आपको। आपको पसंद आए तो इसको ज़रूर बनाना घर पर। तो मैं चलिए बनाते हैं। मैंने 500 ग्राम यहाँ पर पालक लिया है और 500 ग्राम ही आलू लिया है। 4 से 5 आलू लिए हैं मैंने, और 2 छोटे छोटे टमाटर लिए हैं। बड़े हैं तो एक ही डाल दीजिएगा, छोटे हैं तो 2 ले लीजिएगा। और 1 लहसुन का गांठिया लिया है मैंने। और अब मैंने यहाँ पर चढ़ा दिया गैस, चढ़ा दिया कढ़ाई, और इसमें डाल दिया है सरसों का तेल। सरसों का तेल मैंने जो सब्ज़ी बनाती हूँ ना, वही चम्मच, 2 से 2.5 चम्मच डाला है मैंने। और मैं बता देती हूँ, पालक में पहले से ही तेल आता है, तो पालक की सब्ज़ी में आप तेल ना ज़्यादा डालें, पहले से थोड़ा कम डाल दोगे ना तो बराबर हो जाएगा। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पर मैं लहसुन ले रही हूँ छौंक के लिए, और मैंने 5 आलू लिए थे, उनको बड़ा बड़ा साइज़ में काटा है। सॉरी, इनको दिखाना मैं मतलब मेरे स्किप हो गया। आलू बड़े थे, मैंने 4 पीस किए हैं, बीच में से काट के 2-2 पीस किए थे, तो 4 पीस हो गए। आप ही इसी तरह से काट लेना, बहुत ही अच्छे है इसका ना, मतलब लुक बहुत अच्छा आता है, दिखने में बहुत ही अच्छी दिखती है सब्ज़ी। तो चलिए, तेल गरम हो गया सरसों का, तो इसमें डाल दिया मैंने छोटे छोटे कलियां करके लहसुन की। और अब डाल रही हूँ मैं जीरा 1 चम्मच, और जब जीरा और लहसुन अच्छे से चटक जाए तो इसमें डाल देंगे हम आलू। सभी आलू डालने के बाद में एक बार मैं ढक्कन लगा देती हूँ, क्योंकि गैस चालू है नीचे से तेज़ मेरा, तो छांटे उछल रहे हैं बाहर। आलूओं को डालने के बाद में एक बार मिलाने से पहले मैं इसमें 2 चम्मच नमक डाल दूंगी। नमक आप स्वाद अनुसार डालना, क्योंकि इसमें पालक में नमक पहले से ही आता है, तो एक बार थोड़ा कम डाल लीजिएगा। अगर कम लगे तो बाद में और डाल लीजिएगा, क्योंकि नमक कम का तो अपन ऊपर डाल के और हो सकता है, लेकिन ज़्यादा हो जाता है ना, फिर कम नहीं होता है। इसलिए आप एक बार नमक पहले थोड़ा कम डाल लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने ना अच्छे से चला लिया है आलूओं को, और अब मैं ढक्कन लगा कर रख रही हूँ 4 से 5 मिनट के लिए। और गैस को मैंने सिम कर दिया है, तेज़ पे नहीं पकाना है, धीमी आंच में पकाना है। तो चलिए, यहाँ पर जब तक हमारे आलू थोड़े से पक रहे हैं 50% तक, तब तक मैं यहाँ पर लहसुन कूट लेती हूँ। आप चाहो तो इसमें अदरक भी डाल सकते हो साथ में, मैं यहाँ पर अदरक नहीं डाल रही हूँ, मेरे पास है नहीं, और बच्चों को भी पसंद नहीं है इतना अदरक। मैं जब भी पालक बनाती हूँ ना, तो मेरे सच में बताऊँ, पापा जी मम्मी की बहुत याद आती है। मेरे पापा जी जब शराब लगते हैं ना, तब मेरे पापा जी पालक लाना शुरू कर देते हैं। गाँव में अभी पालक आता नहीं है, मैं तो चलो सिटी में रहती हूँ, तो आ जाता है, मिल जाता है पालक सुबह सुबह जल्दी। तो जब पापा जी सब्जी लाते थे ना, तो पापा जी घर पर लाते सब्जी काट कर हमें देते, और कितना भी टाइम लगो मूली पालक में, हमें पापा जी मूली पालक हमें बहुत पसंद है, तो पापा जी हमारे लिए मूली पालक के लिए ना हमारे साथ मिलकर तैयारी करा देते, सब्जियां काटते थे, लहसुन भी छील लेते थे, बैठे बैठे फिर दुकान खोलने के लिए जाते थे। इतनी मतलब उनको परवाह थी हम लोगों की, और बहुत ही ज़्यादा पापा जी ये चाहते थे मेरे बच्चे बहुत अच्छा खाना खाए।
चलिए 4 से 5 मिनट हो गए हैं और मैंने आलू को जब चेक किया था तो आलू हमारे फ्राई हो गए थे। और अब इसमें मैंने टमाटर और हरी मिर्च कटी हुई डाल दी, साथ ही में सारे मसाले डाल दिए। मैंने यहाँ पे मसालों में लिया है 2.5 से 3 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 2 चम्मच नमक मैंने पहले डाल ही दिया था। 2 से 2.5 चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाला है। अब इनको अच्छे से चलाते हुए मिला लूँगी, ऊपर नीचे करेंगे और इनको अच्छे से भून लेंगे। और जब ये अच्छे से तेल में भून जाए ना, मसाले वगैरह सब खुशबू आने लगे, तभी हमें इसमें पालक डालना है। अगर आप चाहो तो पालक को उबाल कर भी डाल सकते हो, लेकिन सच बताऊँ ना, पालक को उबालने से इसमें जितने भी आयरन वगैरह जो होते हैं ना, वो सभी ख़त्म हो जाते हैं। पालक को आप बिना उबाले डालने से ज़्यादा पोष्ट शरीर को ये लाभदायक देता है। तो यहाँ पे चलिए अब मिला लेते हैं। इसमें आ ही नहीं रहा कढ़ाई में, लेकिन ये पालक है, थोड़ी देर बाद में चूस जाएगा, कम हो जाएगा। कढ़ाई में पालक डालने के बाद में इसको हम अच्छे से चलाते हुए ऊपर नीचे करेंगे। अच्छे से चलाने से क्या, ये चिपके का भी नहीं। और हमेशा याद रखिए, गैस पर जब भी आप पालक चढ़ाओ ना या फिर सीधे डालो ना, तो कभी भी गैस को ना तेज़ मत रखना, क्योंकि ना पालक जब जल जाता है ना तो बेड़ा और कड़वा बनता है। बेड़ा मतलब कड़वा कड़वा बनता है। तो यहाँ पर मैंने पालक को अच्छे से भून लिया है इसके साथ में, मसालों के साथ में। तो अब मैं थोड़ा सा इसमें पानी डाल रही हूँ। इस पानी से मैं अपना चमचा धोकर रख दूँ, चमचा धो लूँगी और पालक में भी पानी डाल दूँगी। वैसे तो देखो, पालक के साथ में मैं आज बाजरे की रोटी बनाती, लेकिन बाजरे का आटा ख़त्म हो चुका है, 1-2 रोटी का ही आटा है। तो मम्मी जी के लिए बाद में बना दूँगी 1-2 रोटी बाजरे की, लेकिन पहले मैं गेहूँ की रोटी बनाऊँगी सबके लिए, ताकि सब खा लेंगे। मम्मी जी ने क्या अभी बोला है कि मैं तो अभी खाना नहीं खाऊँगी, बाद में खाऊँगी, तो उनके लिए बाजरी रोटी बाद में बना दूँगी। जब खाएंगे ना तभी बना देंगे उनके लिए। तो हमारे लिए मैं गेहूँ की रोटी बना रही हूँ। और यहाँ पर मैंने ना अच्छे से ना जो कढ़ाई के आसपास में चिपका हुआ था पालक, वो सब भी उतार दिया है। और जब इसमें एक उबाली आ जाएगी ना, तो मैं इसमें लहसुन डाल दूँगी। पालक में मैंने पानी डालने के बाद में एक बार गैस को थोड़ा मीडियम लो फ्लेम पे कर दिया था, बीच का कर दिया था, इसीलिए जल्दी उबली आ गई थी। और अब मैंने वापस से इसको ना धीरे कर दिया है, लहसुन डाल दिया है यहाँ पर। अब मैं लहसुन जो मैंने डाला था, लहसुन को भी अच्छे से इसके साथ में मिला लूँगी। आज मैंने इसमें लहसुन पहले नहीं डाला, एक कारण है मेरा इसमें पालक में लहसुन पहले नहीं डालने का कारण ये है कि लहसुन अपन इसमें जब डालते हैं ना, तो पूरा लहसुन की स्मेल है ना, थोड़ी अजीब सी आने लग जाती है पहले डालते हैं। तो जब हम इसमें पानी डालने के बाद में उबाली आ जाती है पालक में, तब लहसुन डालो, तब बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। पहले डालने से पता नहीं इसमें अजीब सा वाइट दिखने लग जाता है लहसुन। और यहाँ पे ओखली कंकोल कर भी मैंने इसमें डाल दिया है। कढ़ाई पर एक बार ढक्कन लगा देंगे और 4 से 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा के रखा है मैंने। और यहाँ पर जब तक मेरी सब्जी बन रही है, तब तक मैं आटा लगा लेती हूँ, क्योंकि जब देखो टाइम हो जाता है ना, तो हमारे तो घर में भाई सभी खाने वाले हैं ना, तैयार हो जाते हैं, बस इंतज़ार करते हैं खाना बने और हम खा लें। कई बार तो ऐसे होता है कि जो मैं फर्स्ट रोटी बनाती हूँ ना, उसके साथ में सभी खाना पसंद करते हैं। गर्म रोटी जब मैं तवे से उतारती हूँ ना, तभी है ना खाना खाने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर एक आटा लगाने के बाद में एक बार मैंने कपड़े को धो लिया है और अपनी पूरी गैस पट्टी अच्छे से साफ़ कर लिया है। और अब हम एक बार सब्जी को चेक कर लेते हैं। तो सब्जी में देखो कलर भी अच्छा आया है, सब्जी लमसम बनकर तैयार हो चुकी है। अभी आलू मेस कर देख लेंगे तो पता चल जाएगा। तो आलू और पालक का कलर देखो कितना अच्छा आया, कितना मस्त आया। अगर एक बार इस तरह से बना कर देखना आप, बहुत ही अच्छा कलर आएगा। और बहुत ही मतलब रोटी है ना, आपके बच्चे
जिनके बच्चे हरी सब्जियां नहीं खाते हैं ना, बहुत ही अच्छे तरीके से खाएंगे इस वाली सब्जी के साथ में। मैंने बच्चों को इस तरह से सिखाया है हरी सब्जियों खाना, क्योंकि हरी सब्जियां बहुत फ़ायदेमंद भी होती है सभी बच्चों के लिए। और आजकल तो आपको पता है हर चीज़ की पूर्ति नहीं कर पाते हैं हम बच्चों के खाने में, और बच्चों के क्या हमारे खुद के ही खाने में पूर्तियाँ नहीं होती है, क्योंकि हर एक चीज़ तो हम डेली खा नहीं सकते। जैसे एप्पल है, एक दिन खा ले, दो दिन, तीसरे दिन नहीं खा पाते हैं। उसी तरह पालक भी एक दिन खा ले, लेकिन जब भी आप बनाओ ना तो इस तरीके से बना के अपने बच्चों को खिलाना, एक की जगह दो रोटी खाएंगे, दो की जगह तीन खाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होती है, और आलू बन गया, मैंने आपको दिखा भी दिया मेज कर, और अब इसको ढक्कन लगा कर रख देंगे तो ये और बन जाएगी, क्योंकि पालक में कुछ ऐसा होता है जो जल्दी बन जाता है आलू हमारा। तो चलिए, सब्जी के ढक्कन लगाने के बाद में यहाँ पर मैंने रोटियाँ चालू कर दी है, और बच्चों से इंतज़ार नहीं हो रहा है खाना खाने के लिए, वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। और आज तो उनका मनपसंद फेवरेट आलू पालक की सब्जी बनाई है, और मैं सच बता रही हूँ आपको, बच्चे को आप इस तरह से आलू पालक बनाकर डालोगे ना, बच्चे एक बार नहीं बार बार आलू पालक की सब्जी ज़रूर मांगेंगे आपसे। तो यहाँ पर मेरे दोनों बच्चे बैठ गए हैं प्यारे प्यारे अच्छे से, और इनके पापा भी इनका बहुत ख्याल रखते हैं। घर में है ना, हम बच्चों को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। बच्चे हमारे जब पहले खाना खा लेते हैं ना, तब सब लोग ये सोचते हैं कि हमने भी खाना खा लिया है। सबसे पहले बच्चों को ही डाला जाता है घर में खाना, उसके बाद में बड़ों को खाना डाला जाता है। तो खास तौर पर इनके पापा ना इनका बहुत ख्याल रखते हैं। जब भी मैं खाना डालती हूँ ना तो ऊपर आ जाते हैं, बच्चों को पानी चाहिए होता है, चाच चाहिए होती है, कुछ भी चाहिए होता है ना, तो बीच में आकर दे देते हैं। और रोटी गर्म होती है ना तो रोटी के टुकड़े तोड़ के देते हैं बच्चों को खाने के लिए, ताकि इनके जल्दी ठंडे हो जाए, बच्चे खाना पेट भर खा ले। इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो।